नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पर्सनल लाइफ के वारे न्यारे हुए पड़े हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर उनकी फिल्में रिलीज हुए जा रही हैं और हर फिल्म के साथ वो हमें नए किरदार और नई कहानियां दिखा रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले आई थी उनकी फिल्म अफवाह और अब आई है जोगीरा सारा रारा। कहानी नई लगती है और मूवी एंटरटेनमेंट प्रॉमिस करती है, लेकिन क्या ये फिल्म अच्छी है, चलिए जानते हैं। अगर बात करें फिल्म की कहानी पर, तो कहानी है जोगी की जो इवेंट्स अरेंज करता है, लेकिन आपको भी पता है कि इंडिया में चीजें अरेंज नहीं, जुगाड़ होती हैं। जोगी की टैगलाइन भी यही है कि जोगी का जुगाड़ कभी फेल नहीं होता। जोगी बाहर तो शेर है, लेकिन घर में माँ और तीन बहनों के बीच काफी दबासा रहता है। घर में औरतों को देख उसने एक चीज तो सोच ली है कि भाई कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। लेकिन इस सब में उसके गले पड़ जाती है एक लड़की डिंपल, जिसकी उससे शादी तुड़वानी होती है। लेकिन शादी तुड़वाने के चक्कर में जोगी ऐसा बुरा फंसता है कि एंड में डिंपल उससे शादी करने वाली होती है। फिल्म फैमिली एंटरटेनर के टैग के साथ आती है और कहानी सुन के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि कॉमेडी तो बहुत है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक्टिंग में कोई भी हाथ पकड़ नहीं सकता, और यहाँ उनकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी स्पॉन्टेनियस है कि आप सोचोगे नहीं कैसे कैसे टाइम पर आपको हंसी आ जाएगी। नेहा शर्मा जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हीरोइन बनी हुई है, और वो भी फिल्म में उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है। सारी स्टार कास्ट भी काफी अच्छे से नवाज और फिल्म की मैडनेस को कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन यहाँ स्पेशल मेंशन संजय मिश्रा के लिए है जो फिल्म में टाइम टू टाइम आके पब्लिक को काफी ज्यादा एंटरटेन भी करके गए हैं। फिल्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पर आए तो पॉजिटिव्स में स्टोरी, कॉमेडी और एक्टिंग आती है, जिसमें नवाजुद्दीन शाइन्स इन ऑलमोस्ट एवरी फ्रेम। और अगर फिल्म के नेगेटिव्स की बात करें तो कहानी में प्लॉट होल्स बहुत है और फिल्म सेंस नहीं बनाती बहुत टाइम्स पर, और फिल्म के गाने उसकी लेंथ को बढ़ाती है। सच कहूं तो फिल्म में गाने नहीं होते तो अच्छा होता। लास्टली लेंथ को कम किया जा सकता था, क्योंकि एक टाइम के बाद फिल्म फ्लैट पड़ने लग जाती है। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के अलावा बात करें तो फिल्म वॉचेबल तो जरूर है, आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाकर फॉर श्योर एंजॉय करोगे। टू विद दिस सेड, आई श्योरली रिकमेंड कि आप ये फिल्म देखें, और हम इस फिल्म को देंगे 3 out of 5 स्टार्स। फिलहाल आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इस फिल्म पर क्या व्यूज है हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।